असी खड़े हाँ अज तुहानू पता भी पूरी दुनिया नू मसां डीकदिया खास करके पंजाब भारत के लोगों डीकदिया मसां 10 तरीक आई तो 10 तरीक के बड़े उल्टफेर होए ने असी खड़े हाँ साढ़े पंजाब के हुण पहला सीएम कैंडीडेट कहिंदे सी हुण आपां कहांगे कि सीएम भगवंत मान जी के पिंड सतौज पिंड का माहौल देखो ब्याह वर्गा माहौल है आओ तुहानू पिंड के लोगों के नाल भी मिलावांगे उधर बीबिया ने आपां देख रहे भी राजकुमार जी उधरले पासे कैमरा घुमाओ लोग झाड़ू घुमाते फिरते हैं तो बड़ा बहुत वधिया माहौल जिहड़ा इस पिंड दे विच सिरजिया जा रहा है तो इधरों साडियां भैणां ओ मातावां इस पिंड दे लोक इलाके दे लोक ने जो ये अज दे आपां देखिए खुशी दे दिहाड़े दे विच सतौज पिंड दे विच। हाँ जी भाई की हाल है जी? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। यही पिंड है जी? नहीं, काले के पिंड है जी। अच्छा, किवें लगदा फिर अज? बहुत खुशी है जी, साडा हलका भदौड़ा चन्नी बकरियां चोंदा ही रह गया जी, भगवंत मान वड्डी रीढ़ नाल जेतू हो गया जी। मानसा जो नाटक करे नु खिच के ले गया, आशा मानसा जो ले गया, खिच के जी, हां खिच के ले गया मानसा जो। चन्नी दी भाई मंजी है जी, ठोकी है तू मुड़ के होए बलाड़ करनी मुंह ही नहीं करदा हैगा, इधर मुंह करके पैर निकालदा जेड़ा लगदा हुण ए भी क्या करे भी मैं दो दो सीटा भी हार जांदा, क्या गल करदा यार, क्या गल करदा लाभ को देनु लाभ के नु पैसा आई जी उना नंबर डायलॉग होऊगा पैसे पापा वीरे लाभ उगो के नु पैसे पापा आपदे जेबां च एक गरीब घर दा बच्चा जमा पेट्रोल नू डीजल नू पैसे नहीं सी उहदे कोले काले के पिंड आ साडा असीं सब ने उहनू फंड दे उहनू गड्डियां आप दे चन्नी हराया इक कैब ने मुख्यमंत्री। हां भाई मैं भदौड़ा हलके ते भी जाके आया सी 3-4 पिंडां दे विच उत्थों ही लाताई साहब असीं ने पहला असीं सर्वे कीता बिल्कुल न्यूट्रल होके आम पब्लिक दे विच जांदे ते पब्लिक तों पता लगदा। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई जी, सत श्री अकाल जी, मैं जी पंचायत मैंबर हाँ काले के पिंड का, साड़ी सारी पंचायत कांग्रेस में सपोर्ट करती थी जी, मेरा सिरनाम ही है, मेरा नाम भी लाभ सिंह है जी, लाभ सिंह ने इन्नी सपोर्ट की है जी दिन रात एक करके ए लीड बनाती जी, गरीब घर का बच्चा है, 2 कनाला 3 कनाला जमीन है, 2 ही कमरे ने, 14 मॉडल मोटरसाइकिल बनी ना जी, उन्होंने ए सिरा लाता जी दिन रात एक करके जी। हाँ जी भाई जी, अज तो बाद बकरियां चोया करो, क्या गल करदे यार, नवां नवां डायना कहूंगा ना जी, नवां सो दो जिम्मेवारी नमाउणगे मान है सानू भाई, कहीं से वोट पाई इतना रात करके करके, हाँ भी सानू मान थी भाई, हाँ सरकार बन गया कि पंजाब दी सामने चीज़ हुण बनूगी भाई, ये भगवंत मान दा पिंड है ते भाई मान बठिंडे वाला भी आ गया भाई जी, की हाल है? वधिया जी वधिया। किदां जिंदगी? मैं क्या की पुछ दवां इहनां दे, मेरे सगे ताए दा मुंडे मुख्यमंत्री बन गया। क्या बात है, ते किवें लगदा भाई, देखो आपां पब्लिक दे विच रहिंदे आ, हुण अगलियां उम्मीदां? बहुत वड्डी उम्मीदां ने भाई, भाई तां एक ओ एमपी सी जिन्हें जो एडे गुंडे लोगों का राज सी, कोई बोलन तक बोल नहीं सी सकता, सानू उन्होंने देख देख के बोलन लगे, किमें घेरन लगे, किमें कितों तक, किमें उन्हें फंडा के हिसाब दिते, एक रुपये की बेईमानी नहीं करी, यह जहाँ बंदा पिया कि भाई किसे मुल भी नहीं पिया है, तो हुण देखो भाई मुख्यमंत्री बन के की करता, किमें चोरों को घेरता है, पर चोरों को घेरूगी चोर तो हरे बाहर ही रह गए, चोर तो हरे बाहर ही रह गए। चन्नी नू कह हुण मंजे ठोकदा रहा कर गल्ला, हां मंजे मुड़ के ठोकदा रहा कर गल्ला, तेरे बल्ले आही रह गया, जे उन्हें कहता भी मैं बकरियां जोया करूं, है बकरी जो ले करे सानू की है, हां जी भाई, हां किवें लगदा भाई? बहुत वधिया, ब्याह वर्गा माहौल लगदा, ऐ लगदा भारत ना आजाद हो 1947 च, भी अज आजाद हो अपना पंजाब, क्रांति की धरती है, क्रांतिकारी पुत्रां की धरती है, सिख योधे की धरती जिहड़ा पंजाब है, इत्थों क्रांति शुरू हुंदी है, हुण नाल ही हरियाणे च वोटां ने 2 साल बाद, इह बस क्रांति शुरू हो गई, हौली हौली सारे भारत च फैल जी। हाँ जी, सो दोस्तों सारे चन्नी इह गल कहिंदा ना भी मैं सारा कुछ जाणदा है, हुण उह सारे कम्म करिया करूगा इहदे बाद। क्या बाबा किवें लगदा हुण? हाँ जी, किवें लगदा, किन्नी कु खुशी है अज? अज इन्नी खुशी है जी, अपनी जगह सी कोई लै नहीं जगह जी, गुरु नानक जगह सी नहीं कोई लै सकदा, क्योंकि पर नवा आत्मा का हथ है,
ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਭਗਵੰਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੀਤ ਹੋਏ ਵਰਗੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਕ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣਿਆ ਭਗਵੰਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀਹ ਪਿੰਡਾਂ